भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया, विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रखकर के नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर के नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रखकर के नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है।